के सरपंच ने क्या कार्य अधूरे छोड़े? पहले के सरपंच ने कार्य तो लगी जो अधूरे हैं उनको हम पूरा करेंगे। जैसे कई चौपाड़ों में है पानी की सुविधा नहीं हो पाई, कई शिक्षा में भी कुछ कमियां रही हैं, स्वास्थ्य, गांव का विकास, गलियां बनाना, और गलियां तो पक्की हैं पहले से ही, कई जगह जो है ना टूटी हुई हैं गलियां, रोड टूटे हुए हैं। जैसे निंदाणा से रास्ता पड़ता है, मैम से आते हैं तो एक चौराहा पड़ता है, वहाँ से वहाँ भी गलियाँ टूटी हुई हैं। कि हमारे को लाइब्रेरी बनानी है, स्कूल में शिक्षा पर जोर देना है, अध्यापकों से रिक्वेस्ट करके बाकी गरीब बच्चों का जो है ना उनको। नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं एनएन मीडिया ऑफिशियल। बड़े लंबे समय से पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी मिल चुके हैं, कुछ उम्मीदवारों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार ओम सिंह पवार जी, करते हैं उनसे मुलाकात। ओम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला? मेरे को गिलास का चुनाव चिन्ह मिला जी। आपकी पंचायत में कितने वार्ड हैं? मेरे 12 वार्ड हैं। उनमें कुल कितने मतदाता हैं? 3100 प्लस हैं। तो आप उनमें से कितने वोट अपने मानते हो? मैं 50% वोट अपने मानता हूँ, 50% में मैं हूँ और 50% में मेरे साथ में जो कैंडिडेट हैं वो हैं। कितने कैंडिडेट आपकी टक्कर में? 5 कैंडिडेट हैं। कितना समर्थन मिल रहा है आपको? बताया मैंने 50% उम्मीद है। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे? शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव का विकास, गलियां बनाना, और गलियां तो पक्की हैं पहले से ही, कई जगह जो है ना टूटी हुई हैं गलियां, रोड टूटे हुए हैं। जैसे निंदाणा से फरमाना, बेंसी से फरमाना, इनको भी हमें रिपेयर करना है। हमारे मेन रास्ता पड़ता है, मैम से आते हैं तो एक चौराहा पड़ता है, वहाँ से वहाँ भी गलियाँ टूटी हुई हैं, उनको भी हमें रिपेयर करना है। बाकी हमारे को लाइब्रेरी बनानी है, स्कूल में शिक्षा पर जोर देना है, अध्यापकों से रिक्वेस्ट करके बाकी गरीब बच्चों का जो है ना उनको पूरा सहयोग देंगे पंचायत की तरफ से, कि उनको किताबें, कापियां, जूते, कपड़े वगैरह सब बस उनका सहयोग देंगे। इसके बारे में स्वास्थ्य के लिए पंचायत की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? मेडिसिन दिलाएंगे, जैसे हम अपनी पंचायत की तरफ से गरीबों के लिए मेडिसिन रखेंगे स्वास्थ्य विभाग में, और उनका जो है इलाज जो फ्री किया जाए। पहले के सरपंच ने क्या कार्य अधूरे छोड़े? पहले के सरपंच ने कार्य तो लगभग किए हैं, बाकी जो अधूरे हैं उनको हम पूरा करेंगे। क्या क्या कार्य अधूरे छोड़े हैं? जैसे कई चौपाड़ों में है पानी की सुविधा नहीं हो पाई, कई शिक्षा में भी कुछ कमियां रही हैं, उनको हम पूरा करेंगे। पानी की सुविधा को आप कैसे पूरा करोगे? जैसे पानी की सुविधा से सप्लाई तो इतनी पूरी नहीं होती, बाकी हम ट्यूबवेल लगवाएंगे और एरिया वाइज ट्यूबवेल लगवाएंगे। ये होने के पानी की सप्लाई के लिए हम यहाँ इसे पानी के डिग्गी में ही, मतलब वाटर सप्लाई टैंक में ही लगाएं ना, हम जो है ना गाँव के अलग अलग उसमें जो है ना एरिया में ट्यूबवेल लगाएंगे, जिससे पानी की सुविधाएँ औरतों को हो सके। युवा ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहे, तो उनके लिए क्या कदम उठाओगे? उसके लिए सख्त कदम उठाया जाएगा, युवाओं को समझाया जाएगा, उनके घर में जाकर के उनके माँ बाप को बताया जाएगा। युवाओं का जो सपना है वो ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ लिख करके एक महान बने, नशे की तरफ न जाएं। आपका सपना क्या है, गाँव कैसा होना चाहिए? गांव मॉडर्न गांव होना चाहिए, गांव के अंदर हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, आने जाने वाले आदमी, हर आदमी ये देखें कि भाई हाँ वाकई में ये गांव बहुत ही अच्छा गांव है। फरमाना बादशाहपुर की जनता से क्या आह्वान करोगे? फरमाना बादशाहपुर की जनता से आह्वान करेंगे कि आप हमें कामयाब करें, हम आपको हर प्रकार की सुविधाएँ देंगे, गाँव का विकास करेंगे। धन्यवाद।